जो है ना वो बातें शाते करो, गपशप करो, तो उसमें फिर हम लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जस्ट इग्नोर देम। प्यारी समझ गई। जर्नेशन को खराब कर रहा है। क्या बोला तूने? जर्नेशन को खराब कर रहा है तो इसको जिंदगी में से निकाल देना चाहिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुराना पाकिस्तान ना ही नया पाकिस्तान, अब सिर्फ तफरीह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एंटरटेनमेंट नेटवर्क और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सबा जमीन। आज हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में। बरकत मार्केट में आई आवाम से हम सवाल करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अगर उनकी ज़िंदगी में से एक दिन के लिए, सिर्फ वन डे, अगर उनका मोबाइल को स्किप आउट कर दिया जाए, उनके मोबाइल को निकाल दिया जाए एक दिन के लिए, तो अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, अपना टाइम किस तरह स्पेंड करेंगे, किसके साथ स्पेंड करेंगे, आज हम ये जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से, और खुद भी जानते हैं और आपको भी जानने को मिलेगा। अगर आप भी अपना जवाब देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। आमना क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हैं आमना। अगर हम लोग बात करें आपकी ज़िंदगी की, डेली रूटीन की, तो डेली रूटीन में सबसे बेहतरीन और सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे ख्याल में मेरा खाना पीना। खाने पीने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जिसके बगैर आपके तो जिंदगी कुछ भी नहीं है भाई? फोन। समझ रहे हो ना? That's a point, phone. Phone निकाल दो एक दिन के लिए आपकी जिंदगी से, पूरे दिन के लिए। तो क्या करोगी? सोऊंगी। सोने के अलावा फिर सोऊंगी। उठूंगी, सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर कुछ खा लो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जी रूटीन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती होती है। फ़ोन के बगैर क्या लाइफ है यार? मतलब इंटरनेट फ़ोन, सोशल मीडिया फ़ोन पे, टीवी भी फ़ोन पे। तो मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने टीवी कब ऑन किया था अपने घर का। इवन मेरे घर में से किसी ने भी नहीं किया। तो अभी तो मतलब लाइक अपने भाई को भी कोई बात कहनी होती तो फ़ोन पे मैसेज करके कहते होते हैं, साथ वाले कमरे में बैठा होता है, बट मैसेज करके कहना यार इधर आओ बात सुन। तो हद है मोबाइल की, इतनी हद तक मोबाइल। आप अगर सोने के अलावा आपको कहा जाए कि आप अपने मोबाइल ज़िंदगी से निकालें एक दिन के लिए और अपनी ज़िंदगी को शेप आउट करें, साइज कर सकती हूँ उस चीज़ को, और मैं उसके बारे में सोच ज़रूर सकती हूँ, उसको शेप आउट कर सकते हैं हम इस तरह से कि अगर मेरी लाइफ में लाइक वो जो मैं एक टाइम वेस्ट करती हूँ फ़ोन पर वो ना हो तो आई विल डू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठूँगी सबसे पहले और अपना बिस्तर ठीक करूंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं करती, कभी नहीं करती। बड़ा हरामी हो बेटा। इतने मेरे घर वाले मेरे से तंग है ना, आमना ने उठने, मेरे घर वाले पता है मुझे क्या कहते, जो कुत्ता होता है ना वो भी अपनी दुम हिला लेता होता है, तुमसे तो वो भी नहीं होता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। वो इस तरह की बातें मुझसे करते हैं एंड दे आर लाइक अच्छा ये कर लो वो कर लो। अच्छा खैर मैं अपना बिस्तर बनाऊंगी, बिस्तर बनाने के बाद आई विल डू सम स्किन केयर फॉर माई सेल्फ, जो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्लीज़। अभी जवानी है, अभी आप लोग की स्किन अच्छी है, थोड़ा सा ये टाइम गुजर गया ना बेटा उसके बाद नहीं मिलती। समझ रहे हो ना? हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमारे कज़न हैं जो हमारे घर आते हैं तो हमारे फ़ोन छीन लेते हैं और फ़ोन छीन के अपने पास रख लेते हैं। अब आपस में एक दूसरे से जो है ना वो बातें शाते करो, गपशप करो, तो उसमें फिर हम लोग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जस्ट इग्नोर देम। प्यारी समझ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? असदुल्ला। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडीज़ कर रहे हैं सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, बहुत आम, मतलब कि कह लें कि ज़िंदगी का एक चीज़ निकाल ली आपकी ज़िंदगी में से, यानी कि लोगों से उस सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया बहुत बड़ी चीज़ निकाल ली आप तुम्हारी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी से अगर मोबाइल को निकाल दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या करेंगे आप? मोबाइल जो है अगर देखा जाए तो ये आज की जनरेशन को ख़राब कर रहा है। क्या बोला तूने? जनरेशन को ख़राब कर रहा है तो इसको ज़िंदगी में से निकाल देना चाहिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चाहिए तो मोबाइल देखा जाए तो आज हमारी मजबूरी भी है क्योंकि बहुत फास्ट दौर जा रहा है, तो मोबाइल की वजह से मतलब कि आज जितनी कोई मसला मसाइल बनते हैं, जिस तरह चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो मोबाइल के ज़रिए जो उसको मतलब के चोरों या डकैतों को भी ट्रेस किया जाता है आज, मतलब के पिछली टेक्नोलॉजी और इसकी आज की रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी है।
रहने को बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके रिलेटेड देखा जाए तो मोबाइल हमारी जरूरत भी है। अगर आपकी जिंदगी में से एक दिन के लिए मैं मोबाइल निकाल दूं तो आप क्या करेंगे? मोबाइल निकाल दिया जाए तो एक तो पहला तो ये जवाब है इसका कि हम बोर हो जाएंगे। और दूसरा, मोबाइल हमें अगर इसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत इससे फायदा भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और स्टडी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा, मतलब कि मोबाइल से आप क्या करेंगे पूरा दिन में? अगर आपके लिए जिंदगी में मोबाइल का नामो निशान ही ना हो, आपको पता ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी है, तो क्या करेंगे उस दिन? मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा शायर बन सकता हूँ अगर मोबाइल निकाल दिया जाए। मोबाइल निकाल दिया जाए तो अच्छा शायर बन सकते हैं? अच्छा शायर बन सकता हूँ। राइटर भी हैं अच्छे से जी। शेर सुना दे फिर। शेर तो मेरा यही है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झीले तो लोग समझे, वो एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे, वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, वो जिसके बच्चे शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। बस ये। इसी के साथ हमने पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जाना कि अगर एक दिन के लिए उनके जिंदगी से मोबाइल निकाल दिया जाए तो वो कैसे अपना डे स्पेंड करेंगे। अगर आप अपना डे बताएं कि आप अपना डे कैसे स्पेंड करेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रहमान। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।